अकोला 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मोटरसाइकिल चालकों पर डबल शिफ्ट चलाने पर अब की जाएंगी कार्रवाई। अकोला शहर में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन आए दिन कोई ना कोई नियम लागू कर रही है, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इसी तरह कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से भी अब नए नियम लागू किए गए हैं। अकोला में कोरोना मरीज ज्यादा मिलने से अकोला शहर रेड जोन में आ चुका है, जिसको देखते हुए एक और नियम लागू किया गया है। मार्केट में अगर आप किसी को जाना हो तो वो सिर्फ अकेला ही बाइक पर जा सकता है। डबल सीट मोटरसाइकिल चलाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। इसी तरह फोर व्हीलर चालकों पर भी नियम लागू किए गए हैं। फोर व्हीलर में भी गाड़ी चालक के अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति गाड़ी में बैठ सकता है। अगर किसी बाइक पर डबल सीट दिखाई दी तो उसकी गाड़ी जब्त कर दी जाएंगी, और फोर व्हीलर में गाड़ी चालक के साथ ज़्यादा लोग बैठे दिखाई देते हैं तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। गाड़ी के पीछे सीट पर अगर कोई महिला दिखाई देती है तो पहले बाहर जाने का पुख्ता कारण बताना होगा। शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें सिर्फ जीवनावश्यक वस्तुओं के लिए ही छूट दी गई है, लेकिन कुछ वाहन चालक इस बीच डबल सीट और ट्रिपल सीट चलाते नजर आ रहे हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए ये नियम लागू किया गया है। ऐसी जानकारी शहर यातायात नियंत्रण शाखा के गजानन शेड़के ने दी है। अकोला शहरामध्ये वाढत असलेल्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांनी आजपासून रेड झोनमध्ये काही रिस्ट्रिक्शन लागू केलेले आहेत। त्या रिस्ट्रिक्शननुसार मोटरसायकल स्वार जे आहेत ते फक्त एकटेच त्या मोटरसायकलवर जाऊ शकतात, त्यांना एकट्याला जाण्यास परवानगी दिलेली आहे। आणि चारचाकी जे वाहन आहेत त्या चारचाकी वाहनामध्ये 1+2 म्हणजे एक ड्रायव्हर आणि सोबत दोन लोक एवढ्यांनाच परवानगी देण्यात आलेली आहे। आज आम्ही विशेष मोहीम राबवून जवळपास 50 गाड्या ज्या डबल सीट आहेत मोटरसायकल त्या डिटेन केलेल्या आहेत। या माध्यमातून माझं अकोल्याच्या जनतेला आव्हान आहे की या नवीन रिस्ट्रिक्शनचं त्यांनी पालन करावे आणि शहर वाहतूक शाखेच्या कारवाईपासून आपण वाचावे। आपल्याला त्रास देण्याचा शहर वाहतूक शाखेचा कुठला विचार नाही आहे, परंतु माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी रस्त्यावरची गर्दी कमी करण्यासाठी आणि सोशल डिस्टन्स मेंटेन करण्यासाठी जे आदेश पारित केलेले आहेत त्याचं सर्वांनी पालन करावे। धन्यवाद। अकोला 24 न्यूज को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।